Oh,
I'm gonna keep pushing.
एक भक्त के लिए, माँ के सेवादार के लिए सबसे जरूरी क्या है, आइए माँ से वो भी मांगते हैं। तेरे चरणा दी छा मिल जावे, तेरे चरणा दी छा मिल जावे, मिले कम न सेवादारी दा, जदों अंत समां आ जावे, ओए दर्शन शेर सवारी दा, तुइयो चंचल दी मां होवे, ए जन्म जिन्नी बार मिले, मायने दियने दी खुश कहिए जय माता, फिर से कहिए जय माता। देव जी दिल वाली पालकी, देव सर, देव जी दिल वाली पालकी। अच्छा चली चलो, कोई गल नहीं, आधा घंटा एक्स्ट्रा सही आज। Thank you.
हर कार लक्की होवे, हर कार लक्की होवे तेरी तस्वीर। बहुत ही सुंदर संकीर्तन देव चंचल जी का। तो मैं एक संगत को बेनती करांगा कि आज महाराणी का सरद पंजवां नवरात्रा है। मेरे वीर मैं देख रहा कि उल्टे पासे आ रहे हैं। बेनती करांगा सारी संगत अगे पंजाब पुलिस तो साढ़े भैन साढ़े वीर जो माँ के दरबार की सेवा कर रहे हैं उन्होंने पूरा सहयोग दिए। जब तुम उन्होंने तंग कर लेंगे तो गलत क्यों भी सानू संदेश करते हैं कि देखो लोग तंग कर रहे हैं। ये दरबार तुहाडा अपना है, मंदिर का डिसिप्लिन बनाना भी तुहाडा अपना काम है। उन्होंने पूरा सहयोग दो। पंजाब पुलिस मेरी भैन खड़ी है, मेरे वीर खड़े ने, उन्होंने ज़्यादा तंग ना करो, उन्होंने ज़्यादा ये ना कहो कि सानू जान दो, क्योंकि मंदिर कमेटी का आदेश है कि सीधी लाइन में आके महाराणी का दर्शन करने। तो समय एक दो मिनट में लेना है। एक देखो किसी की चिट्ठी आई है, वो लिखते हैं कि मां के दरबार की महिमा का गुणगान किया है उन्होंने। ये वीनू ठुकराल जी ने ये लिखते हैं कि मेरे भाई साहब और मेरी भाभी जी आस्ट्रेलिया ने, और चार साल तो आस्ट्रेलिया ने, चार साल तो उन्होंने बेटा इतने ट्राई कर रहा है कि उन्होंने आस्ट्रेलिया नहीं मिलया, वीजा रिजेक्ट होता चला गया। तो आस्ट्रेलिया तो ही गए, इस दरबार तो गए बच्चे जिन्होंने महाराणी का आशीर्वाद लैके। बहुत सारे बच्चे पिछले चार पाँच साल तो लगभग मैं 500-700 बच्चे ऐसे होने ने जिन साड़िया बेटिया साढ़े बच्चे साढ़े बेटे जिन्होंने माँ के दरबार का आशीर्वाद लिया है उत्थे जाके बहुत सारी माया डालर के रूप भेजते हैं। अभी भी बहुत सारे डालर आए हैं और वह बच्चों ने दसिया है उन्होंने कि साढ़े माता पिता ने सानू बहुत बारी उतों इतने भेजने वास्ते कहा लेकिन इस साढ़े बेटे की वीजा रिजेक्ट होंगे चला गया। माँ के दरबार च आए, मत्था टेकया और इतों पता लगा कि माँ के दरबार में जो मंगता है वह महाराणी उन्हें देती है। उन्होंने माँ के दरबार का चालीसा शुरू किया, 40 दिन जोतों जगान का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया और 14वें दिन ये मेरे को चिट्ठी हाथ है उन्होंने हाथ में लिखी हुई, 14वें दिन ही उन्होंने महाराणी ने उन्होंने अरदास सुन ली और जोड़ा वीजा 4 साल तो नहीं लग रहा से सिर्फ 14 दिन ही लग गया। 14 दिन में ही महाराणी के जोतों जगान के नाल वह वीजा उन्होंने लग गया और 5 अक्टूबर दुशहरे वाले दिन उन्होंने फ्लाइट है आस्ट्रेलिया की। तो एक बार जोरदार तालियां महाराणी के इस दरबार वास्ते। और साढ़े भी साढ़े मान योग जो आस्ट्रेलिया को चल के आए हुए हैं महाराणी का गुणगान कर रहे हैं, महाराणी की इच्छा तो गुणगान करेंगे। पर मैं बेनती करांगा कि अगले जो नवरात्रे अप्रैल में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देव जी ने पहले दसाया कि नवरात्र मैं महाराणी के दरबार से होया करांगा, चाहे वह सर्द नवरात्रे हो गर्मी वाले नवरात्रे हो। तो जदों इन्होंने इतने आना हो मैंने जरूर सूचित टाइम इन्होंने जरूर इस मां के दरबार का हर बार दिता जाएगा, हर 6 महीने बाद। और हर 6 महीने बाद जो आएंगे माँ का दरबार इन्होंने वास्ते खुला होएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा गुणगान कर रहे हैं। जदों श्री नरेंद्र चंचल जी माँ के दरबार में आते सन हर साल गर्मियों के जदों गुणगान शुरू करते सन, और मैं देखता कि हम चंचल जी का गुणगान शुरू हो गया है तो मैं एक किनारे जाके बैठ जाता सी। मैंने पता सी हुण जदों का प्रोग्राम शुरू होया है जब तक एंड नहीं होना, समाप्त नहीं होना, संपन्न नहीं होना, तद तक इन्हों की लय लगी रहनी है। अज वो लय उस तरह लगी हुई है। मैं देख रहा कि साढ़े 7 बजे तो बाद लगातार मैनू भी कौन बोलने का मौका नहीं मिले और मैं देखा कि संगत को भी बड़ा लय लगी हुई है माँ के दरबार की और बहुत ही सुंदर गुणगान कर रहे हैं। इस करके मैं किनारे से जाके ही खड़ा हो गया। सो मैं
9:10 हो चुके हैं, 2 या 3 बंदरों के नाल माँ की हाजिरी होगी। जो संगत को दस दिए कि नवरात्रियों में चाहे दरबार सगा हो या ये आरती का जो समय से अद्धा घंटा से बता दिता सगा, ये पहले नवरात्र से शो कर दिता से। अज जो आरती का समा होएगा वो 10 बजे तक होएगा, लेकिन देव चंचल जी माँ के चरणों अगलिया 2 या 3 भेटा गाँव के जो तक इन्हों का मन होएगा, जब तक संगत महाराणी का आशीर्वाद लगती रहेगी और देव जी गुणगान करते रहेंगे, माँ का दरबार इस तरह चलता रहेगा। आरती का जो समय है तो होएगा 10 बजे। कहिए जय माता, फिर से कहिए जय माता। माँ की मूर्ति है हंस के मेरे नल को, thank you।
जद जद भी मैं जो मंगिया तू दिता देखे जताया ना मंग एक मुकी दूजी शुरू होई Thank you.
दुनिया कभी आकर तो देख तेरे आने कितनी तैयारियां कर मेरे अम्मी एक तेरा सिंहासन है सिंहासन के तेरा ही आसन है तेरे उठासन से तेरी मूर्ति न्यारी तेरी मूर्ति मैया जी
बहुत ही सुंदर संकीर्तन है। एक बार जोरदार तालियां देव जी वास्ते, देव चंद्र जी जेडे स्टेडियम तो चल के आके महाराणा के दरबार से बहुत ही रंग लाया है, बहुत लय लगी है वहाँ के दरबार में सारी संगत की। तो साढ़े भी साढ़े बड़े भी मान योग श्रीमान विनोद गुप्ता जी, पविंदर बहल जी, कैशी साहब, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी महाराणी का आशीर्वाद लैन वास्ते माँ के पावन दरबार में पहुँचे ने, उन्होंने हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगले शुक्रवार जो समा होएगा वो पुराना होएगा 7:30 तो लैके 8:45 तक। अज नवरात्रिया करके जो टाइम बोर्डा के बाहर लिखा हुआ सी उसके हिसाब न ही 7:30 तो लैके 9:30 तक का टाइम थी और समय हूँ अरदास का। बहुत सारी माया जी। बहुत सारी माया है माँ के बहुत सारे भक्तों वालों आई है, लेकिन सब का नाम लेना संभव नहीं है, कुछ समय अरदास का हो चुका है। तो बहुत सारी माया साढ़े मान जो कुलदीप पाटिया जी जिन्हों के पोतरे का जन्मदिन है त्रिपुर